Hello dear friends, so today we will show the exponents rules. Exponents rules. एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे रूल्स हैं या एक्सपोनेंट के बहुत सारे रूल्स हैं. जैसे हम अगर x की पावर m है, अगर मल्टीप्लाई करें x की पावर n से तो x सांझा निकल जाता है. x सांझा निकल ऊपर m जमा n हो जाता है. इसको सिद्ध करके भी देखेंगे हम. देखो जैसे 3 की पावर 5 है, गुना किया 3 की पावर 6 है. छोटा कर लेते हैं, आपको 36 समझ आ जाएगा. 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है. देखो अगर हम इसको 3 को 2 बार लिखते हैं और 3 को 3 बार लिखते हैं, ठीक है, कोई हाथ तो हम ये लिखते हैं कि 3 है 2 जमा 3, 3 की शक्ति 5 होनी चाहिए. 1 2 3 4 5, यानी 3 की शक्ति 5 है. तो ये हमारा फार्मूला क्लीन हो जाता है, बिल्कुल ठीक है. ऐसे दूसरा फार्मूला है, दिस इज सेकंड फार्मूला, x की पावर m डिवाइड x की पावर n विल बी, x सांझा निकल गया, m माइनस n हो जाता है. इसको भी सिद्ध करते हैं. अगर 3 की शक्ति 3 है और 3 की शक्ति 2 है तो 3 सांझा निकल गया. अगर हम ऐसा करें, अगर हम 3 को 3 टाइम्स करें और 3 को 2 टाइम्स करें तो ये कट गया, कट गया. आपके पास 3 आना चाहिए. अगर हम 3 को 3 माइनस 2 लिख दें तो 3 की पावर 1, 3 3 3 के बराबर, यानी हमारा ये फार्मूला भी ठीक होता है. ऐसे हम तीसरा फार्मूला लेते हैं. अगर x की पावर m है, ब्रैकेट बंद हो, x की पावर n है तो x सांझा निकलता है, m मल्टीप्लाई n होता है, ठीक है. इसको भी हम इसी फार्मूले के हिसाब से, अगर 3 की पावर 3 है, ब्रैकेट बंद है, उसकी पावर 2 है तो 3 3 इंटू 2 होगा, 3 दूनी 6 होगा इसकी पावर. इसके एक्सपोनेंट मस्ट बी 6. यू कैन सॉल्व दिस, दिस साइड 3 इंटू 3 इंटू 3 इट्स पावर 2, दिस विल बी 2 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 2 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6, सो 3 पावर 6. तो ऐसे हम कुछ और फार्मूले हैं वो कैलकुलेट करते हैं. 3 तो ये हो गए, आगे चलते हम. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंट्स फार्मूलास. नेक्स्ट फार्मूला इज एक्स की पावर पी डिवाइड क्यू, इज द फर्स्ट फार्मूला, एंड मल्टीप्लाई विद एक्स पावर क्यू प्लस पी. सो एक्स पावर पी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस पी, ओके, लाइक दिस. दिस इज द फिफ्थ फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंट, एक्स पावर पी डिवाइड क्यू, एक्स पावर क्यू डिवाइड पी, इट विल बी एक्स पावर पी डिवाइड क्यू माइनस क्यू माइनस पी. देन सिक्स्थ फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंट विल बी, इफ एक्स पावर माइनस एम देन इट विल बी 1 डिवाइड एक्स, इट्स पॉजिटिव एक्सपोनेंट. वाई? जस्ट
we are just showing we can show x की power m और we can show 1 power m by x की power m और we divide x power m. Next is seventh formula. We can take this. If this is seventh formula, if x की power and xy power m, then x की power m divided by y की power m. Eighth formula, we can take exponent. If x divided by y power minus m, we can show it 1 divided x divided y to power m, so it will be y divided x to power positive. X divided y power minus will equal to y divided x to power m. Ninth formula will be x की पावर x डिवाइड x की पावर p डिवाइड q एंड देन q डिवाइड p इट विल बी x की पावर p डिवाइड q मल्टीप्लाई q डिवाइड p. टेंथ फॉर्मूला इफ x की पावर m multiply x की पावर n and x की पावर o, then x will be a common and power will be added n plus o. Okay, so you should remember this and I hope you should understand this. Okay, thank you very much.